दोस्तों, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। आज मैं इसका बिजनेस के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। आप बड़े ही कम पैसे से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, घर से स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 7 रुपये में रेडी होगा। कहाँ पे मिलेगा ये पीस और कितने जो है आपको मेहनत करना है? बिल्कुल कम मेहनत करना है, ठीक है। इस वीडियोज़ को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको एक ऐसा जानकारी दे रहा हूँ जो अभी तक मैंने नहीं बताया। पूरे यूट्यूब में आपको इस तरीके के वीडियोज़ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो क्या करना है और किस तरीके से जो है आप इसको बेच सकते हैं। वीडियोस को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी गरीब हैं और सोच रहे हैं कि पैसा कमाऊं कैसे कमाएंगे, तो ये जो मैं काम आज आपको बता रहा हूं, ये आप बड़े ही आराम तरीके से कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं, ठीक है। और ये हर किसी को ज़रूरत होती है। वैसे गाँव में यदि रहते हैं तो आप इसको जो है लोगों की ज़रूरत होती है और लोग इसको ख़रीदते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, समझिएगा ये जो चीज़ है, ठीक है। बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ना, ये जो चीज़ है ये गांव में लोग पशु भगाने के लिए या फिर पक्षियों को, जैसे खेतों में जैसे होता है ना, मक्का वक्का लोग बोते हैं, तो उसको उड़ाने के लिए इसको यूज करते हैं। और ये मात्र 7 रुपये में तैयार होता है और ये बड़े आराम तरीके से आप इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही से कहना चाहूँगा कि वीडियोज़ में आप अंत तक बने रहिए। मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि कहाँ से आप ख़रीदेंगे और कहाँ से जो है आप इसको लाएँगे और कैसे आप इसको बेचेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ आज अपने आपको मैं आपको समझाने वाले हूँ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। मैं थोड़ा इसको रख देता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि वो क्या चीज़ है और आपको क्या करना है। दोस्तों, एक चीज़ समझिएगा, जो ये वाली जो रबर आता है ना, इस तरीके का जो रबर आता है, आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी लोगों को मिलता नहीं है, ठीक है। ये वाली रबर काफ़ी लोगों को नहीं मिलता है और लोग परेशान होते हैं। इसमें 3 चीज़ लगता है। क्या क्या लगता है? एक ये लगता है, आप ऐसा देख रहे होंगे प्लास्टिक का, ठीक है। एक ये लगता है, ठीक है, और साथ में एक ये लगता है, और एक चीज़ और लगता है जो ये है, जो ये वाली रबर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट को ख़रीद के लाइएगा, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे। देखिए, हर चीज़ तो मैं नहीं बता सकता ना कि कौन सा मार्केट में देखा हूँ यार, कहाँ मैं बता दूंगा आपको। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होता है। मैं सिर्फ आइडिया देता हूँ और आपको करना है उस पर, यदि काम करना है तो आपको थोड़ा पता लगाना है, सर्च करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने जो मार्केट होते हैं जहाँ पे आप घर है आपका, वहाँ पे आपको इसको पता करना है। पता क्या करना है कि ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ मिलता है, ठीक है। वैसे अगर फुटकर में लेंगे तो ये बहुत महंगा देंगे, ये वाली जो चीज़ है वो 6-6, 5-5 रुपये में देंगे। आपको वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जहाँ पे इसका होलसेल मार्केट है, जहाँ पे ये होलसेल में मिलता है, ठीक है, वहाँ से इसको लाइए और ला करके जो है आप इसको घर पे लाइए। जैसे मान लीजिए ये वाली जो पीस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको 4 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। 4 रुपये मतलब 400 रुपये का सैकड़ा, 500 का सैकड़ा, ये मिल जाता है। और ये वाली जो चीज़ है ये आपको 3 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। 3 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें कि बहुत लंबे होते हैं, कम से कम एक गुलेल का तो होता ही है, ठीक है, एक गुलेल का ये होता है। और ये वाली जो चीज़ है, जो मोची लोग होते हैं, जो जूता का सिलते उलते हैं, उनके पास जब जाएंगे तो ये आपको वो बता देंगे आपको कि ये कहाँ मिलता है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है। और जो ये रबड़ मैंने आपको दिखाया था, देखिए ये वाली जो रबड़ मैंने दिखाया था, इस रबड़ को आप जब ख़रीदेंगे तो ये आपको 100 रुपये केजी या 90 रुपये केजी जो है पैकेट आता है इसका, ठीक है। उसमें 1000 पीस होते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए फ्री है, मतलब फ्री में मिलता है, कुछ करना नहीं है। इसको बांधना है, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आप लोग बांध ही लेंगे, कोई उसमें नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो है कभी भी, जैसे अगर चलाना होगा, जैसे चलाना है या फिर लगाना है, बांधना है, तो जो अपने साइड में होता है ना, इसको इस साइड में बांधते हैं, ठीक है, ना कि परले साइड में, पर आगे नहीं, इधर अपने आप की तरफ इसको ऐसे फटाफट बांध लीजिए। मैं थोड़ा सा बांध के दिखा देता हूँ, है ना। इसमें कुछ कारीगरी नहीं यार, बहुत सिंपल है। इस रबड़ से इसको आपको ऐसे बांध देना है, और बांध देना है, जितना मतलब बढ़िया क्वालिटी का रबड़ लाएंगे आप, उतना ज़्यादा मज़बूत होगा ये, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं करना होता है। इसको मैंने बांध लिया, अब इसको भी वैसे ही करके इसको भी बांध लेना है, ठीक है। मैं फटाफट इसको भी बांध देता हूँ। ये दोनों को जो है बांध लेंगे आप तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है कि ये बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। बाकी और कोई कारीगरी नहीं है। और देखिए, मैंने हर चीज़ आपको रेट बता दिया है, और रेट बता दिया है तो आप इसको अगर करना चाहें तो ये आपका 7 रुपये में रेडी हो जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे कि ये देखिए रेडी हो गया, अब ये देखिए चलाने के लिए तैयार है। यहाँ पे भी मैंने बांध दिया, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और 4 रबड़ लगते हैं,
ठीक है, चारों रबड़ आप जो है बांध करके और इस तरीके से जो है इसको चलाया जाता है। वैसे किसी को मारने के लिए नहीं है, मारने के लिए नहीं बना रहा हूँ, और ना ही मेरा किसी का वो है कि मैं ऐसा चीज़ का प्रमोट करूँ जो जान लेने वाला है या फिर खतरा करने वाला है। वैसे तो बंदूक भी मतलब होता ही है जान लेने वाला, लेकिन फिर भी आखिर चलता है कि नहीं चलता है, तो ये ऐसी कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गाँव में जैसे बंदर होते हैं, जानवर ऐसे ऐसे आते हैं जो भागते नहीं हैं, तो लोग इसको ख़रीदते हैं और उसको भगाते हैं, ठीक है, ना ही किसी से जान लेते हैं, किसी से जान नहीं लेते हैं, बस थोड़ा सा चोट पहुँचाते हैं ताकि वो भाग जाए, कुछ ऐसी आवाज़ हो जिसकी वजह से वो भाग जाए, ठीक है। तो ये मार्केट में जब ख़रीदेंगे तो 30 रुपये में मिलता है एक पीस, ठीक है, एक पीस जो है 30 रुपये आप मतलब मिलता है, वैसे कम करके भी लेते हैं लोग, 25 रुपये में मिल जाता है, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ एकदम आसानी से। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 4 रुपये का आपने ये ख़रीदा, 3 रुपये का ये ख़रीदा, 4 × 3 = 7 रुपये हो गए, और ये जो चीज़ है जो मैंने ये दिखाया था, इसको भी आपको पत्ता मिलता है, वैसे जब आप मोची के पास जाएंगे तो आपको बता देंगे पत्ता मिलता है, तो पत्ता भी खरीद सकते हैं, 4 × 3 = 7.5 – 8 रुपये में आपका ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप बेचने जाएंगे दुकानों पे, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, एक पीस पे 5 रुपये आप रख लीजिए, अपने आप का जो मेहनत आपका लगा है 5 पीस रख लीजिए एक पीस पे, ठीक है, तो यानी 13 रुपये में आप इसको बेच सकते हैं। और जो दुकानदार है वो कम से कम नहीं बेचेगा तो 20 रुपये, 22, 25, 30, 35, मतलब 25 से कम तो नहीं बेचेगा वो, या फिर 20 में ही मान लो 20 में बेचता है, फिर भी उसका 8 रुपये मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैं किसी को देखा करते हुए। और सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, दुकानों जो होते हैं ना, किसी भी दुकान में चले जाइए, छोटे दुकान में जाइएगा, बड़े दुकान पर नहीं, और ख़ास करके गाँव में रहते हैं तो और भी बेटर है, दुकानों पर जाएँगे, ये गाँव में ही ज़्यादा चलेगा, शहरों में नहीं चलता ये, ठीक है, गाँव में आपने देखा होगा गाँव में ही चलने वाला है। तो आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे दुकान होते हैं वहाँ पे इसको ले जा करके सिर्फ और सिर्फ 20-20 पीस देना है, ज़्यादा नहीं, 20-20 पीस आप इसको दे दीजिए, जब 20-20 पीस देंगे ना आप, तो आपका 5-5 रुपये एक पीस पे बनेगा, 100 रुपये आपका बन जाएगा, ठीक है। और आप एक दिन में इसको सैकड़ों तैयार कर सकते हैं, सैकड़ों पीस आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्या इसमें करना है, सामान खरीद कर लाइए बोरी में और इसको ला करके घर पर वो कीजिए, और दुकान दुकान में सेल कर दीजिए, माताएँ बहनें हैं वो घर में बैठ करके इसको बांध सकती हैं, ठीक है, और आप बेच सकते हैं। बाकी और इसमें और कोई कारीगरी नहीं है, मैं समझाने को बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया और आपको मैं समझाया हूँ, ये जो बिजनेस है कोई भी कर सकता है, अनपढ़ हो, गंवार हो, कैसा भी इंसान हो यार, इसको कर सकता है और ये बिक जाएगा मेरे दोस्त, बिक जाएगा, टेंशन में लेने वाली बात नहीं है, बेचने की चिंता नहीं है। मुझे लगा आपके साथ शेयर करने, मैंने शेयर किया, और वीडियो जो है पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब किया कीजिए। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा यार, कि आपने बहुत मुझे प्यार दिया है, ठीक है, इसके लिए दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। और साथ में एक चीज़ और कहूँगा कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है आरके टूल ब्लॉग्स, डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक दिया है, मैं बार बार बोलता हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, उस पे अपना प्यार दिखाइए, ठीक है, उस चैनल को भी आगे बढ़ाइए, ताकि मैं अगर कुछ मान लीजिए खतरा हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है इस चैनल पे, तो उस पे मैं एक्टिव रहता हूँ, उस पे भी जो है बात होती रहेगी, या फिर आपसे हम वीडियोज़ बनाकर देते रहेंगे आपको, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ आप लोग उस पे भी सपोर्ट कर दीजिए। और इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियोज़ की भावनाओं में खो गए होंगे, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद जय भारत।